पंचकुला में सिटी बस की शुरुआत की गई और ये 24 बसें पंचकुला जिले के अलग अलग रूटों पे चलेगी और इन बसों की शुरुआत हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की। चंडीगढ़ से सटे हुए पंचकुला में सिटी बस की शुरुआत की गई। पंचकुला के लोगों को लोकल बसों की काफी समय से जरूरत थी और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए पंचकुला जिले में 24 नई बसों की शुरुआत की गई है। इन सभी नई बसों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम भी लगे हुए हैं। पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के लोगों को काफी लंबे समय से ट्रांसपोर्ट को लेकर समस्याएं आती थी और इन बसों के शुरू होने से लोगों को लोकल सफर करने में सुविधा प्रदान होगी। इस अवसर पर पंचकुला के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पंचकुला में 24 नई सिटी बसें शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि 24 में से 7 नई बसें महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं, जिसमें केवल महिलाएं ही सफर कर पाएंगी। देखिए, पंचकुला शहर के नागरिकों की बहुत पुरानी एक मांग थी कि पंचकुला में सिटी बस सर्विस जो है वो शुरू की जाए, और सबसे पहले तो यहाँ पर क्योंकि हरियाणा रोडवेज का कोई डिपो ही नहीं था, हरियाणा रोडवेज का डिपो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दिया और उसके पश्चात धीरे धीरे हरियाणा रोडवेज की बसेस की संख्या बढ़े, तो इस पिछले एक महीने के अंदर 19 नई बसें जो लॉन्ग रूट के ऊपर चलनी शुरू हुई हैं, जहाँ से हमने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को साथ में जोड़ा है। बसों की कमी होने के कारण कई बार महिलाओं को बसों में सीट तक नहीं मिल पाती थी और ऐसे में अगर महिलाओं के लिए स्पेशल बस चलती है तो महिलाओं के लिए काफी बड़ी राहत होगी।